पाकिस्तान एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी अ चेंजिंग लैंडस्केप थ्री जब हमने डिस्कस किया अबाउट पाकिस्तान एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की तो हमने वहां पे बात की कि यहाँ पे नाइन आपके पास एग्रो क्लाइमेटिक जोनस हैं अब अगर इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन को अगर हम डिस्कस करें विध रेफरेंस टू तो देर रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे जो रूरल और अर्बन एरियाज इन पाकिस्तान है विद द ऑफ टाइम इनकी कम्पोजिशन भी चेंज हो रही है

स्क्वेयर किलोमीटर लेकिन no, 2023 ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज अराउंड थ्री हंड्रेड थ्री थ्री हाउस थ्री इंडिविजुअल्स पर स्क्वेयर किलोमीटर तो हम यहां पे देख सकते हैं कि जो इंक्रीज है इन दी पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वेयर किलोमीटर ये ऑलमोस्ट आप कह लें टू टाइम्स इंक्रीज मोर देन टू टाइम्स इंक्रीज आई है यहां पर अब अगर इसी पैटर्न पे अगर हम देखेंगे जी सबसे ज्यादा इंक्रीज किस एरिया में डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर आई है तो ये जो इंक्रीज है दिस इंक्रीज हैज बीन ऑब्जर्व विद रेफरेंस टू तो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के रेफरेंस में क्या था कि 1972 में यहाँ पे 259 इंडिविजुअल्स थे पर स्क्वायर किलोमीटर लेकिन इन 2023 ये नंबर बन गया आपके पास 2609 पर स्क्वायर किलोमीटर फिर इसी पैटर्न पे अगर हम देखें कि जी प्रोविंस प्रोविंस में किस एरिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी पर स्क्वायर स्क्टर पर स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज आई तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन के 1972 में जिधर पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर थी सेवन परसेंट की अब वो पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई अराउंड फोर्टी थ्री परसेंट कि ये जो टेबल है हमें एक चीज तो बड़ा क्लियरली डिफाइन कर रहा है देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वेयर किलोमीटर फिर इसी पैटर्न पे अगर हम देखें कि विच टाइप ऑफ द रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन इज अक्रॉस डिफरेंट सेंसेज तो यहां पे भी हम आप कह लें एक चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं इन अकॉर्डिंग टू 1972 सेंसेस आपके पास जो रूरल एरियाज में थी आपकी अराउंड 74.6 परसेंट पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़। ट्वेंटी 2023 के सेंसिस के मुताबिक क्या है कि जो आपके पास रूरल एरियाज में पॉपुलेशन है इट इज अराउंड 61.2 परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन अब यहां पे आप कह लें कि जी सबसे ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड एरिया कौन सा है कि जिधर अर्बन पॉपुलेशन सबसे हाई है तो अगर हम इस टेबल को देखें तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो अर्बन पॉपुलेशन है इसका जो हाइएस्ट प्रोपोर्शन है वो आपके सिंध में है कि 53.7 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लिवस इन अर्बन प्रोविंस। फिर इसी पैटर्न पे अगर हम रूरल एरियाज के रेफरेंस में देखें तो रूरल एरियाज में खैबर प्रोविंस वेयर अप्रोक्सीमेटली एटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज और यहां पे आप लें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की रूरल पॉपुलेशन 1972 में भी देखें तो यह भी क्या है अराउंड 85.8 परसेंट ये जो आपके पास कह लें 50 इयर्स का स्पेन है टाइम पीरियड का यहां पे जो रूरल पॉपुलेशन है इन दी खैबर पख्तूनख्वा इट इज डिक्रीज बाई पॉइंट परसेंट ओनली लेकिन यानी आप अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैंडस्केप जी रूरल एरिया में क्या पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में क्या पॉपुलेशन है पॉलिसी मेकर पॉलिसीज फॉर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिकोन जी एक पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक जोन में किस तरह की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें किस साइड पे करना चाहिए कि वो रूरल एरिया को फोकस करें या अर्बन एरिया को फोकस करें दे कैन मेक आर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अब अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयड की बात करें फॉर लास्ट ओवर द लास्ट टेन ईयर तो हम एक चीज यहाँ पे बड़ा कैटेगोरिकली ऑब्जर्व के कर सकते हैं कि जो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी एम्प्लॉयड लेबर फोर्स थी वो डिक्रीज हुई है ओवर लास्ट डिकेड आप यूं कह लें ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2010-11 आपकी 45.05 फाइव पॉपुलेशन परसेंट लेबर फोर्स आप आपके लिए इंप्लॉयड द एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन इन इन द दिजिकल ईयर 2020 21 ये जो आपके पास लेबर फोर्स थी इट है इट बिकम्स 37.4 सेवन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ लेबर फोर्स इज इम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर के अगर जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के रेफरेंस में डिस्कशन करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज डिक्रीज ओवर टाइम के लेबर फोर्स आपकी ट्रांसफर हो गई फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू

उनका नंबर बड़ा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया ओवर ओवर अगर मैं नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स की बात करूं इन 2011 इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.8 मिलियन लेकिन 2022 में जो प्रोविजनल डेटा है अभी वो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स आर इक्वल टू 26.9 मिलियन अब अगर मैं ये जो भी मोटर व्हीकल्स हैं आपके पास कि यहां पर मोटरसाइकिल्स भी, भी हैं आपके पास मोटरसाइकिल थ्री व्हील्स वाले भी हैं आपके पास मोटर कार्स भी सबका एग्रीगेट करें तो जो आपके पास टोटल नंबर है जो आपके पास एक्सट्रीम आप कह लें कि राइट हैंड साइड कॉलम में नजर आ रहा है तो वहां पे भी आप ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑब्जर्व कर सकते हो इट इज 9.6 मिलियन लेकिन जो 2022 था ये नंबर आपके पास हो गया अप्रोक्सीमेटली थर्टी मिलियन यह सारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि देर इज इंप्रूवमेंट इन दिन फेसिलिटीज अब फिर जब आप रोड की बात करते हो रोड रोड लेंथ की बात करते हो तो यहां पे भी आप क्या एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि देर इज इंक्रीज इन हाई टाइप रोड इज इंक्रीज इन देंथ ऑफ हाई टाइप रोड वाइल देर इज अ डिक्रीज इन लो टाइप रोड ये भी मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है देर इज इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्राइ स्ट्रक्चर अब ये जो सारे वेरिएबल्स थे इन सब ने बेसिकली क्या किया है इट रीडिफाइंड द रूरल फार्म एंड नॉन फार्म फार्मी इन पाकिस्तान जो आपके पास नॉन फार्म पाकिस्तानी में या फार्म में इन्वॉल्व थे लोग इन द रूरल एरियाज इस सारे ने उनके लिए आप कह लें अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज की हैं और इसके साथ साथ क्या होगा द लाइन बिटवीन रूरल अर्बन एंड पेरियर अर्बन एरियाज इज़ ब्लर्ड ओवर टाइम और इस सारे में बड़ा की रोल प्ले किया आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ने इसमें बड़ा की रोल प्ले किया इंक्रीज इन पेफ्ड रोड ने क्वालिटी ऑफ रोड्स हुई फिर इसके साथ साथ जो इंप्रूवेंट इंप्रूव एंड एफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन थी उसने भी बड़ा की रोल प्ले किया इन इन दिन इन दड़ा की रोल प्ले किया इन द ये जो आप कह रहे हो कि डिफ्रेंसीेशन है बिटवीन रूरल अर्बन एंड पेरी अर्बन, अर्बन एरियाज के डिफ्रेंसीशन में